अस्सलाम वालेकुम क्लास एट। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने फाइनल टर्म का लास्ट चैप्टर, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग नाम से पता चल रहा है कि ये चैप्टर जो हमारा पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोगों को मेथड बता रहे होंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह की जाती है। सही है, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं शुरू से कि सबसे पहले हम लोग जब बात कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो हम लोग कंप्यूटर में हम लोग पूरी बात करते हैं कि कंप्यूटर भी एक सिस्टम है और हर चीज़ का एक सिस्टम मौजूद है। जैसे सोलर सिस्टम हमारे पास मौजूद है, ऐसे स्कूल में भी एक सिस्टम होता है, क्या चीज़ प्रिंसिपल होंगे, क्या टीचर होंगे, कितने साल का स्टूडेंट होगा, कौन सा स्टूडेंट किस क्लास में, तो हर चीज़ हमारी एक सिस्टम के तौर पर होती है। अब सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, सिस्टम को जब आसान लफ्जों में डिफाइन करते हैं, हम लोग ये बोलते हैं द गोल ऑफ सिस्टम इज यूजुअली इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मिंग द वेरियस काइंड ऑफ इनपुट इनटू अ डिजायर आउटपुट। यानी सिस्टम एक तरह की एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये है कि हम लोग स्टूडेंट को एडमिशन दे रहे हैं, फ़र्ज़ करें एक स्कूल की बात हो रही है, अब स्टूडेंट वहाँ से पास आउट होकर निकल रहा है, तो हमने क्या किया, इनपुट जो था वो हम लोगों का स्टूडेंट था, हम लोगों ने जो उससे पढ़ाया एक तरह का वो सिस्टम में गया और प्रोसेस होकर उस सिस्टम से आउटपुट जो डिज़ायर निकला तो वो पास आउट हुआ और उसके पास एक मार्कशीट मौजूद है या डिग्री मौजूद होगी 9th क्लास की या जो क्लास उसने पास किया। और ऐसे ही कंप्यूटर में अगर देखा जाए तो हम लोगों ने कोई दो नंबर दिया, जैसे 3-4 दिया या 4-5 दिया, सिस्टम में गया, सिस्टम में वो प्रोसेस हुआ CPU में, और फिर जो हमारा डिज़ायर आउटपुट आ रहा है रिजल्ट, वो हमारे पास 3+2 5 आ सकता है या 3+3 6 आ सकता है। तो कोई भी सिस्टम हो आपका, चाहे वो कंप्यूटर का हो, चाहे वो सोलर सिस्टम हो, चाहे वो कोई सा भी सिस्टम हो, उसमें कुछ ना कुछ इनपुट होगा, कुछ ना कुछ उसकी प्रोसेसिंग होगी और कुछ ना कुछ उसका आउटपुट होगा। सिस्टम का जो काम है वो यही है कि हमारे इनपुट को वो आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करें। तो हम लोग सिस्टम को इस तरह डिफाइन नहीं करते, सिस्टम हैज़ मैनी कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैनी डिफरेंट सब सिस्टम। हम लोगों को देखा जाए सिस्टम हमारे काफ़ी सारे सब सिस्टम से बना सकता है। इन अदर वर्ड सिस्टम इज अ कम्बिनेशन ऑफ सब सिस्टम विच इज वर्क टूगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर टास्क। अब अगर एग्जाम्पल दी जाए स्कूल की, तो देखें स्कूल में हमारे पास क्या है, एक सिस्टम ऐसा है कि आप टीचर से पढ़ रहे हैं, दूसरा सिस्टम हमारा अकाउंट्स वालों का है कि वहाँ फीसेस जमा होती हैं, फीसेस लेते हैं, तीसरा सिस्टम हमारे पास क्या है भाई, जो स्कूल के ऑनर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, मैडम होती हैं। तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी या कोई भी सिस्टम में हमारे पास तरह तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था कि CLU का काम अलग है, सॉरी CU का काम अलग है, ALU का काम अलग है, MU का काम अलग है। क्यों? क्योंकि हमारा CPU या हमारा सिस्टम यूनिट, CPU का अकाउंट नाम ये भी होता है सिस्टम यूनिट, वो हमारे पास क्या है, तरह तरह के सब सिस्टम बनाए हुए उसने। अब CPU का सब सिस्टम क्या है, CU है, ALU है, MU है, तो ये हमारे सिस्टम की टाइप होती हैं कि हमारा सिस्टम जो होता है काफ़ी सारे सब सिस्टम से मिलके बना होता है और सब मिलके काम करते हैं तब जाके हमारा सिस्टम बनता है। जैसे स्कूल में टीचर्स अलग हैं, वाइस प्रिंसिपल अलग है, प्रिंसिपल अलग है, जब ये सब मिलके काम करेंगे तब भी हमारा सिस्टम प्रॉपर होगा, और जहाँ हमारा कोई काम में गड़बड़ी हो गड़बड़ होगी तो हम लोग बोलेंगे कोई सब सिस्टम हमारे पास ख़राब है या ऐसे सिस्टम में मसला आ रहा है। अब बाद ये हमने सिस्टम समझ लिया, लेकिन हम लोगों का जो मेन टॉपिक है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। और प्रॉब्लम सॉल्विंग कहाँ होगी, जहाँ हमारे पास कोई सिस्टम होगा, कोई चीज़ हमें करनी होगी। अब इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में शुरू से हम लोग ये वाली बातें कि सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग तो बिल्कुल आगे की चीज़ है, उससे पहले हम लोग प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, फिर बाद में पता चलेगा प्रॉब्लम होता क्या है, उसको सॉल्व किस तरह करते हैं। अब इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज अ मेथड एंड रिसोर्स बाय विच ऑर्गेनाइजेशन कैन बी परफॉर्म इट द वेरियस जॉब एफिशिएंटली। यानी हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिस्टम की इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास हो, या फिर सिस्टम इन्फॉर्मेशन एक तरह से मेथड है कि रिसोर्स के जरिए हम ऑर्गेनाइज कर पाएँ कि किसको कौन सी जॉब परफॉर्म करनी है और बहुत इफिशेंटली वो काम कर पाएँ, यानी बहुत तेज़ी से, रवानी के साथ, या फिर बहुत खूबी से, जिसे उर्दू में ये बोलते हैं। अ कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसीजर एंड डाटा। हम लोग ये बोल रहे हैं कंप्यूटराइज सिस्टम इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो कलेक्शन होता है हार्डवेयर का, हार्डवेयर का इस बात से कि उसमें कंप्यूटर्स होने चाहिए और बाकी सारी चीज़ें होनी चाहिए, वायर्स होने चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। सॉफ्टवेयर इस बात से तरह तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ हो सकते हैं, MS Office हो गया, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना तो सिस्टम चलेगा ही नहीं। पीपल्स होने चाहिए, पीपल्स इस बात से कि जाहिर सी बात है वो सब टास्क परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई इंसान होना चाहिए, अब उसमें अलग अलग कैटेगरीज के आते हैं, कोई मैनेजर हो गया, कोई सुपरवाइज़र हो गया, कोई वर्कर हो गया, स्कूल में कोई टीचर हो गया, कोई वाइस प्रिंसिपल हो गई, कोई ये हो गया, कोई स्टूडेंट भी हो गया, ये सब चीज़ें आप कहेंगे। और एक डाटा होना चाहिए जिस पर सारे टास्क परफॉर्म हो रहे हैं।
ईच ऑर्गेनाइजेशन मे हैव इट ओन इन्फॉर्मेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू इट नीड एंड रिक्वायरमेंट, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम का हमारे पास कोई ना कोई नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद हो। इन्फॉर्मेशन सिस्टम में भी डिजाइन फॉर द रिटिंग प्रोसीजर एंड कंप्यूटर प्रोग्राम। इन्फॉर्मेशन सिस्टम हम लोगों का डिजाइन होता है कि हम लोगों का कंप्यूटर प्रोग्राम किस तरह का बना हो और हमारा प्रोसीजर क्या बना हो। आगे बढ़ते हैं इससे क्योंकि ये चीज हमारे बहुत जरूरत है। अब प्रोग्राम की हम लोगों ने लफ्ज जब इस्तेमाल किया है तो हमारे पास इन चीज़ों में कैटेगराइज करना चाहिए, जैसे कि यहाँ लिखा है प्रोग्राम, प्रोग्रामर और प्रोग्रामिंग। अब जिसकी इंग्लिश थोड़ी बेहतर है और इंग्लिश उसे थोड़ी समझ में आती है तो उसके लफ्ज पढ़ के खुद ब खुद आइडिया जाना चाहिए। प्रोग्राम, प्रोग्रामर और प्रोग्रामिंग में इतना फ़र्क है जितना वर्क, वर्कर और वर्किंग में फ़र्क है। यानी एक जो है वर्क वो आपका काम है, वर्किंग आपका जो काम हो रहा है और वर्कर जो है काम करने वाला है। प्रोग्रामर को हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं भाई, द पर्सन हु राइट द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम डेट कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामर। यानी जो आपकी लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन राइट करता है वो हमारे पास क्या है, प्रोग्रामर है। इट इज अ स्टेप और स्टेप लिस्ट बाय द इंस्ट्रक्शन टू गिविन द कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब एंड टास्क। ये हमारे पास प्रोग्राम होगा, यानी लिस्ट बाय लिस्ट इंस्ट्रक्शन देना कंप्यूटर को, ये हमारा प्रोग्राम है। प्रोग्रामिंग क्या है, वो प्रोसेस और वो टेक्निक जिसके जरिए हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम रिटर्न हो रहा है वो हमारे पास प्रोग्रामिंग होती है। सही है। अब आगे के हमारे पास स्टेप कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ढेर सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं अगर देखा जाए तो। सबसे पहले हम लोगों को था डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। मेरे कंप्यूटर में एक प्रॉब्लम आई है, जैसे मेरे कंप्यूटर में किसी गेम में या किसी चीज़ में वायरस आ गया या कोई प्रॉब्लम में शो हो रही है, एक एरर आ रहा है, तो सबसे पहले मैं पता करूँगा कि प्रॉब्लम किस चीज़ की आई है। तो डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम या डिफाइनिंग ऑफ प्रॉब्लम, ये हमारा पहला स्टेप होगा। फिर होगा उस प्रॉब्लम को एनालाइज करें, ये जो प्रॉब्लम आ रही है मेरे पास ये हार्डवेयर की प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। सही है। ऐसा तो नहीं मैंने कोई और चीज़ लगा दी वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा, या ऐसा तो नहीं कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चीज़ अपडेट है। जैसे मुझे गेम चलाना वो 4GB रैम मांग रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर चलाना जो ग्राफिक्स कार्ड मांग रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर वो चीज़ मौजूद ही ना, तो हमारे पास एनालाइज करनी पड़ती है प्रॉब्लम। जैसे मुझे एक गाना सुनना है लेकिन मेरे पास मीडिया प्लेयर नहीं है, या वीडियो देखनी है उसके पास मेरे पास कोई प्लेयर नहीं है। तो दूसरा स्टेप ये होता है जब प्रॉब्लम हमें पता है कि गाना नहीं चल पा रहा है या गेम नहीं चल पा रहा, तो हम एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम क्या है। फिर हमारा तीसरा स्टेप होता है एल्गोरिथम डिफाइन करना या डिज़ाइन करना। एल्गोरिथम हमारे पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम बता रहे होते हैं कि भाई इसके बाद ये करना है, अब मुझे क्या करना है, मेरे पास रैम नहीं चल पा रही या फिर हमारे पास गेम स्लो चल रहा है, मुझे एक रैम लेके आनी है, रैम लगानी है, रैम लेने के लिए मुझे इतना खर्चा आएगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा, सदर में देखना पड़ेगा, या मीडिया प्लेयर मुझे नेट से डाउनलोड करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर देखना पड़ेगा किस वेबसाइट पर जाऊँ, ये हमारा होता है एल्गोरिथम। फिर हम लोग बनाते हैं, जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं वो एक फ्लो चार्ट भी बना देते हैं। फ्लो चार्ट का मतलब एक ग्राफिकली टेक्निक जो हमारे पास होती है। ये मैं आम ज़िंदगी में इस बात से मिसालें दे रहा हूँ क्योंकि आम ज़िंदगी में फ्लो चार्ट हम नहीं बनाते लेकिन कंप्यूटर में हम लोग बनाते हैं। फिर उसकी कोडिंग करते हैं। कोडिंग का मतलब जो चीज़ को हमें हल करना हो, जैसे हमें कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करना हो तो हम लोग वहाँ पर उसकी कोडिंग कर रहे होते हैं, वरना जो प्रोग्रामर होते हैं उसकी कोडिंग करते हैं। फिर उसको डिबगिंग करते हैं। डिबगिंग का मतलब ये उसको दोबारा रन करके देखना कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। जैसे बग होता है ना, बग हमारे पास कीड़ा होता है मक्खी दाना का, डिबगिंग का मतलब इस प्रोग्राम को दोबारा रन करना और चेक करना कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। फिर उस प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं कि ये चीज़ चल रही है या नहीं चल रही है, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में होता है। फिर फाइनल आउटपुट आता है हमारे पास कि वो चीज़ कर रही है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, डिबगिंग हो गई, उसमें कोई एरर नहीं है और हमारे पास फाइनल आउटपुट जा रहा है, जो हम काम करना चाह रहे थे वो परफॉर्म हो रहा है या हमने कोई प्रोग्राम बना दिया। फिर उसको डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये है कि उसको उतार लेते हैं और डॉक्यूमेंटाइज कर देते हैं, यानी हमारे पास एक सेव करके रख लेते हैं और उसकी एक पूरी पेज बना लेते हैं। ये हमारे पास वो स्टेप हैं जो हम लोगों का प्रोग्राम बनाने के लिए कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ये 9 के 9 स्टेप अगर देखा जाए ऑफिशियली कोई हम लोगों को प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाने तो हमारे लगते हैं, मगर नॉर्मली हम लोग इतने सारे यूज़ नहीं कर रहे होते। आगे बढ़ते हैं हमारे पास डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। अब ये सारे जो स्टेप हैं एक तरह से मैंने जो रियली बना देते हैं वो आपके सब पूरे डिफाइन हुए हैं कि प्रॉब्लम को किस तरह एनालाइज करना है, किस बात से प्रॉब्लम हुई है, क्या हमारी कोडिंग में मसला है, कितनी इसकी कॉस्ट आएगी, एल्गोरिथम भी मैंने बता दिया था, फ्लो चार्ट में बता चुका हूँ। तो ये सब चीज़ें एक तरह से देखी जाए हमारी हो गई। अब फ्लो चार्ट इसका अगर देखा जाए, छोटी सी एग्जाम्पल फ्लो चार्ट की है, जैसे ये स्टूडेंट जा रहा है पुलिस हेल्पलाइन से स्कूल, स्कूल से मस्जिद, मस्जिद से शॉप, शॉप से होटल, होटल से फोन और फिर स्टोर तक, जो हमारे पास किडलाइन लिखा है। इसका हमारे पास क्या बन रहा है, सबसे पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन, हमारे सिंबल्स की जो लॉजिक है वो लिखी हुई है और फाइनल सोल्यूशन, ये हम लोगों का एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना हुआ है। अब फ्लो चार्ट में ये बेटा कि कैटेगराइज होती है हमारी दो चीज़ें,
एक होता है सिस्टम फ्लो चार्ट, एक होता है प्रोग्राम फ्लो चार्ट। जितनी भी हम प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे हम उसमें प्रोग्राम फ्लो चार्ट पढ़ेंगे, सिस्टम फ्लो चार्ट नहीं पढ़ेंगे। सिस्टम फ्लो चार्ट होता है क्या, जल्दी से डिफाइन करता हूँ। चलो हम सिस्टम फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट करवाता है सिस्टम को। इसमें कोई स्टार्टिंग स्टॉप पॉइंट नहीं होता। हम लोग चैप्टर्स नहीं, क्लास सेवन में ये चैप्टर पढ़ चुके हैं कि सिस्टम फ्लो चार्ट क्या होता है, और मैंने बच्चों को क्लास सेवन में भी कुछ अर्से पहले ही पढ़ाया। तो सिस्टम फ्लो चार्ट हमारे पास क्या होता है, सिस्टम को रिप्रेजेंट करवाता है। इसमें हमारे पास बॉक्सेस बॉक्सेस नहीं होते, पूरा सिस्टम बना होता है, जैसे इनपुट आउटपुट सीपीयू और ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। हम जो डिटेल में पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्राम फ्लो चार्ट। प्रोग्राम फ्लो चार्ट हमारे पास क्या है भाई, प्रोग्राम फ्लो चार्ट हमारे पास ये बना होता है जो हमारे प्रोग्राम का फ्लो दिखा है कि क्या स्टेप हमें परफॉर्म करते हुए कंप्यूटर प्रोग्राम बना सकते हैं, यानी वो स्टेप और सीक्वेंस जिसके जरिए हमारे पास ये चीज़ चल रही हो लाइन बाय लाइन, वो हमारा सिस्टम फ्लो चार्ट नहीं प्रोग्राम फ्लो चार्ट होता है। ओके, प्रोग्राम फ्लो चार्ट में हमारे पास काफ़ी सारे सिंबल होते हैं। ये सिंबल भी बहुत ज़्यादा आसान है। ओवल सिग्नल जो होता है हमारा टर्मिनल सिग्नल होता है, सिंबल होता है जो हमारे स्टार्ट स्टॉप बॉक्स के लिए होता है। लाइंस हमारी शो करवाती हैं फ्लो ऑफ प्रोग्राम कहाँ पे जा रहे हैं या फ्लो ऑफ हमारी कोडिंग कहाँ पे जा रही है। इनपुट आउटपुट बॉक्स, जो भी हम इनपुट लेंगे कीबोर्ड से या माउस से या जो भी चीज़ से, वो हमारा या मॉनिटर पे जो भी स्क्रीन आ रही होगी वो हमारा इनपुट आउटपुट बॉक्स में आएगा। और साथ में देखा जाए तो जो प्रोसेस हो रहा है, यानी 2+2 मैंने दिया है या 2.2 दिया, वो हमारा इनपुट है। और उसमें जो 2+2 हो रहा है वो हमारा प्रोसेस है, वो प्रोसेस बॉक्स में आएगा। और आगे हमारे पास डिसीजन सिंबल है, जहाँ हमें कोई डिसीजन लेना हो, दो वैल्यूज़ में हमने कुछ चेंज करवाना हो तो वहाँ पे हम डिसीजन लगाते हैं। यानी अगर मुझे एक नंबर 10 बार चलाना है और 2 बार चल रहा है, तो हम वहाँ डिसीजन लगाएंगे जब तक 10 बार चलता रहे, 10 बार के बाद ये टर्मिनेट हो। तो ये चीज़ है। आगे हमारे पास क्या है भाई, आगे हमारे पास काफ़ी सारे सिंबल्स हैं, मॉनिटर के आउटपुट के लिए, प्रिंटर के आउटपुट के लिए, प्री डिफाइंड प्रोसेस बॉक्स, ये सब हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, इस चीज़ को आगे बढ़ा देंगे क्योंकि इतना चीज़ यूज़ नहीं हो रही थी। कनेक्टर हमारे पास उस वक्त याद आता है या उस वक्त काम आता है जब हमारा पेज ब्रेक हो रहा हो। एक हमारा ऑन पेज होता है, एक हमारा ऑफ पेज होता है। इसको भी हम प्रोग्राम फ्लो चार्ट में पढ़ ही लेंगे आगे। अब हमारे पास छठी टेक्निक आती है कोडिंग की। कोडिंग हमारे पास पाँचवीं टेक्निक थी जो मैंने डिफाइन किया था। फ्लो चार्ट के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ एक तरह से देखे हैं नुकसान भी हैं, वो हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग कोडिंग पाएंगे। कोडिंग हमारे पास दो तरह की होती है, एक होता है सोर्स प्रोग्राम, द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम, और द ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ सोर्स प्रोग्राम मशीन लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। यानी वो प्रोग्राम जो हमारी समझ में आता है वो हमारा सोर्स प्रोग्राम होता है, और जो प्रोग्राम मशीन की समझ में आता है वो हमारा प्रोग्राम कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है। डिबगिंग बेटा, डिबगिंग हमारे पास जो स्टेप होता है, डिबगिंग के जरिए हम लोग दो चीज़ें चेक करते हैं। जैसे मैंने बताया, चेक करना कि बग है या नहीं है। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी एरर इस प्रोग्राम इज कॉल्ड बग, यानी कंप्यूटर में हम लोग बग जो है एक एरर को बोलते हैं, सही है। प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग लोकेटिंग एंड रिमूव एरर बग फ्रॉम द कंप्यूटर या प्रोग्राम, ये हमारा डिबगिंग कहलाता है। यानी हम लोग उस प्रोग्राम को अगर रिमूव कर रहे हैं या उस एरर को रिमूव कर रहे हैं, हमारी डिबगिंग होती है। दो तरह के होते हैं, एक हमारा सिंटैक्स एरर होता है कि हमने कुछ गलत लिख दिया, बाय मिस्टेकिंग ग्रामर की गलती हो गई, प्रिंट की जगह विरिंट लिख दिया, W से लिख दिया या R से लिख दिया, रिटर्न लिख दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, सिंटैक्स एरर। या एक होता है हमारे पास लॉजिकल एरर कि हमने कोई चीज़ ही गलत लिख दी, गलत नहीं लिखी, सही लिखी, लेकिन हमने लॉजिक गलत डाली, तो वह हमारे पास लॉजिकल एरर होता है। फिर हमारी चीज़ टेस्ट होती है, फिर हमारी चीज़ फाइनल आउटपुट आता है जिसमें हमारी चीज़ें शो होती हैं, और आखिर में हमारी डॉक्यूमेंटेशन होती है। यहाँ पे चैप्टर आगे हमारे पास जो चैप्टर का देखा जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, ये 9 टेक्निक्स हम लोगों को मिला के सॉल्व होता है प्रोग्राम कोई भी, और यहाँ पे चीज़ खत्म होती है। आगे हम लोगों को कुछ फ्लो चार्ट बताई गई कि फ्लो चार्ट किस तरह डिफाइन होती है, वेयर डिज़ाइन होती है। ये फ्लो चार्ट बनी हुई है, इसमें हम लोगों को बताया हुआ है कि किस तरह से एक प्रोसीजर है। जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे हम लोग मेरे ख्याल से चाय बना रहे हैं। हाँ, चाय बनाने का हम लोगों का फ्लो चार्ट बना हुआ है सबसे पहले। अब हमारे पास ले यूनिटी मैसेज स्टिक, लाइट अप द गैस एंड बर्नर एंड पुट द कैटल ऑन द बर्निंग, एक हमारा प्रोसेस है। प्रोसेस में हमारे पास ये आ रहा है, सबसे पहले हमने माचिस जलाई है, गैस खोली है, और अपनी जो केतली है वो बर्नर पे रख दी है, यानी चूल्हे पे। दूसरा जो स्टेप है हमारे पास देखें, वो हमारे पास एक प्रोसेस बॉक्स में आ रहा है। यानी पहला स्टेप हमारे पास स्टार्ट के बाद प्रोसेस में आ रहा है, क्योंकि हमने काम कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। दूसरा स्टेप जो हमने पानी लिया है वो हमारा इनपुट हो गया। फिर जब पानी बॉयल हो रहा है, यानी पानी पे कोई काम हो रहा है, तो हमारा प्रोसेस हो रहा है।
फिर हमने जब शुगर डाली, टी डाला, मिल्क डाला, हम लोग कोई चीज़ इन डाल रहे हैं यानी इनपुट कर रहे हैं, तो हमारा इनपुट आउटपुट बॉक्स में आएगा जो पैरेललोग्राम होता है। फिर जब दोबारा बोल ऑयल कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है भैया, प्रोसेस बॉक्स में आ रहा है। जो हमारे पास पैरेललोग्राम फिगर बनी हुई है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करवाती है इनपुट आउटपुट बॉक्स को, और जो हमारे पास रेक्टेंगल फॉर्म बनी हुई है हमारे पास बॉक्स होता है प्रोसेस का। आगे हमारे पास क्या है भाई, फ्लो चार्ट बनी हुई है बहुत सारे, या हमारे पास फ्लो चार्ट दो तीन बनी हुई है। इन लोगों का मैं आपका प्रोग्राम दे सकता हूँ कॉपी में, देख के समझ लियागा। वैसे हमारे पास सिंपल सी बात है, एन एक नंबर है, पी एक नंबर है, इन दोनों को ऐड करवाया है, और यहाँ पे हमारे पास प्रिंट जो के आया है एन में, तो वो हमारे पास रिजल्ट आ गया। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं तकरीबन दो से तीन फ्लो चार्ट, ये आप देख लिया क्लास सेवन में भी पढ़ा है। यहाँ पे हमारे चैप्टर के आते हैं क्वेश्चन के, व्हाट इज सिस्टम, आल्सो डिफाइन द इन्फॉर्मेशन सिस्टम। पहला सवाल हम लोगों को करने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहला सवाल हमारे सिस्टम से ताल्लुक रखता है, लेकिन यह एक काम करें कि डिफाइन कर लेते हैं शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर वन है हमारा शॉर्ट का वन होगा, और हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन यहाँ से पेंसिल से। द गोल ऑफ सिस्टम से लेके डिज़ायर आउटपुट तक, ये हमारे पास क्या होगा, सिस्टम की डेफिनेशन आ जाएगी, और इन्फॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास आएगा एन इन्फॉर्मेशन से लेके एफिशिएंटली तक, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आएगी। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, डिफाइन अ टर्म प्रोग्राम, प्रोग्रामर एंड प्रोग्रामिंग, ये हमारे पास शॉर्टकट टू होगा भाई। शॉर्टकट टू हमारे पास क्या हो गया भाई, प्रोग्राम, प्रोग्रामर और प्रोग्रामिंग। बहुत आसान है, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से ख़त्म होगा, शॉर्ट टू। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल, ब्रीफली डिस्क्राइब ईच। हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल क्या होते हैं, ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, अब ईच को उसको छोड़ें भी। इससे पहले आप क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाएं, डिफाइन प्रोग्राम फ्लो चार्ट एंड सिस्टम फ्लो चार्ट। अब प्रोग्राम फ्लो चार्ट और सिस्टम फ्लो चार्ट क्या होती है, ये भी हमारा लॉन्ग होगा, ये हमारे पास लॉन्ग आ गया एक पहला, सिस्टम फ्लो चार्ट से लेके सिस्टम तक, और प्रोग्राम फ्लो चार्ट हमारे पास आ गया कुछ स्टार्टिंग से लेके कंप्यूटर प्रोग्राम तक, बस यहाँ पे मैंने एक्स बना दिया। ओके, ये हमारे पास शॉर्ट में लिख लें, ये तो शॉर्ट ही हो जाएगा, लॉन्ग इतना लंबा है नहीं, तो तीन शॉर्ट हो गए हमारे पास तकरीबन। अब लॉन्ग पे आते हैं, ड्रॉ एंड डिफाइन द ऑल सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट, ये है हमारे पास एक तरह का बहुत लंबा क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन बहुत लंबा है। अच्छा, यहाँ से शुरू होगा हमारे पास ड्रॉ, ओवल वाला हमारे पास फ्लो चार्ट तक सिंबल इसका आएगा, एरो वाला हमारे पास एरो फ्लो लाइन तक, इस वाले का भी सिंपल आएगा पैरेललोग्राम, हमारे पास पूरा इनपुट आउटपुट प्रोसेस हमारे पास पूरा, ये हमारे पास लॉन्ग का वन आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें डिसीजन बॉक्स हमारे पास आएगा, और क्या आएगा भाई, और हमारे पास कनेक्टर आएंगे खाली, देर आर टू टाइप्स ऑफ कनेक्टर, ऑफ पेज ऑन पेज, बस यहाँ तक हम इसको रोक रहे हैं, आगे की सिंबल हम लोग नहीं डिफाइन कर रहे हैं। तो हमारे पास कुल मिला के तकरीबन चार, पाँच और छः सिंबल हो गए, और ज़्यादा डिफाइन हम नहीं कर रहे हैं। ओके, ताकि थोड़ा सा शॉर्ट रहे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर आर देयर, हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर जो हैं वो बताने हैं कि कितने तरह के एरर होते हैं। हमारे पास दो तरह के एरर होते हैं, ये भी हमारे पास शॉर्ट है, सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर हम लोगों के पास कहलाता है पूरा, और लॉजिकल एरर हम लोगों के पास कहलाता है, लॉजिकल एरर हमारा प्रोग्राम तक होगा, सही है। तो यहाँ तक हमारे पास ये होगा शॉर्ट का फोर। अच्छा, लास्ट जो हमारे पास एक क्वेश्चन था वो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कटवा दूँ। हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल, डिस्क्राइब इज ब्रीफली, तो उसको डिस्क्राइब ब्रीफली करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी हम लोग शॉर्ट में यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमारे लॉन्ग जो होंगे, लॉन्ग हमारे में दूसरे चैप्टर से ज़्यादा दे दूँगा। और प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल हमारे पास कौन से हैं भाई, स्टेप, ये हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है, या आप इसका सवाल ये लिख लिया वो सवाल छोड़ के, व्हाट स्टेप इन्वॉल्विंग टू प्रिपेयर अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ये आप लिख लिया गा। ओके, कि व्हाट स्टेप आर सॉल्विंग टू ड्रॉ द कंप्यूटर प्रोग्राम, ये हमारे शॉर्ट का फाइव या सिक्स होगा, और यहाँ पे चीज़ ख़त्म होगी।
उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। कुछ पूछना है तो मुझसे कमेंट में पूछें या स्कूल में आके पूछ लें। वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और ये अपना काम कॉपी करके मुझे चेक करवा दिएगा। सही है, तो जब तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म नहीं होती और जब तक आप लोग नहीं आते, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।